गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, स्टडी का रनवे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज है 22 जून और 22 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 जीते हैं? तो इसे जीते हैं अमर्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। यदि बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। विश्व संगीत दिवस 2020 की थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। कल मैंने बताया था दोस्तों कि 21 जून का दिन जो है बहुत ही खास है, क्योंकि कल 4 दिवस मनाए गए थे। पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और विश्व संगीत दिवस, और कल ही फादर डे मनाया गया था और कल के ही दिन सूर्य ग्रहण भी लगा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत को अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो यह देगा फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के पीएम है एडवर्ड फिलिपे। किस राज्य सरकार ने महास्वयं पोर्टल लॉन्च किए है? तो इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों की मदद करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है। यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोशियारी। यदि महाराष्ट्र से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जाने, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय भी मुंबई में है। और मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 जून को। हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नाप जोख तथा विवरण देता है। यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इस दिवस का उद्देश्य हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। किसने COVID-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिवसीय संवैधानिक संगरोध अनिवार्य बनाया है? तो यह बनाया है नई दिल्ली, और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है रूस के साथ। और दोस्तों, अभी आपको पता है चीन और भारत के साथ तनाव चल रहा है, इसके चलते इसकी आवश्यकता पड़ी है। हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है जर्मनी ने। यह ब्लूटूथ से ऑपरेट होगा और कोई भी व्यक्ति कोरोना के संपर्क में आएगा तो वह उसको अलर्ट जारी करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया है तमिलनाडु ने। यदि बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पलाना स्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।